इसी चीज के बारे में सीखेंगे पहले तो। तो सबसे पहले कि जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपने कौन सी नस्ल लेनी है, कौन सी ब्रीड का पशु रखना चाहते हैं, तो उसका चेंज करने के बाद आप वो ले लेंगे। दूसरी बात जो मेन इसमें आती है कि पशु का घर, गौशाला या आवास, आवास आपने कैसा बनाना है, किस जगह होना चाहिए, उसकी सब चीजें देखनी है हमने। तो आवास बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें जगह का चयन करना है, जहां पे भी आपने गौशाला बनानी है या आप इस चीज को बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, कमर्शियल बेसिस पे करना चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग तो कमर्शियल बेसिस पे करना है आपने तो आपका वो जगह वेल रोड से वेल कनेक्टेड होनी चाहिए। पर अगर आप जैसे एक या दो गाय से जो भी जगह आप चयन करेंगे वो थोड़ा ऊंचाई वाला एरिया होना चाहिए, ताकि वहां पे पानी इकट्ठा ना हो, डैम्पनेस ना हो, जिसमें मक्खी मच्छर ना पैदा हो, जो बाद में जो रोड से वेल कनेक्टेड होना चाहिए, सारी इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो आपको, और भी साथ में उसके एरिया के साथ में चारे के लिए आपके पास जगह हो कि आपको इजीली चारा अवेलेबल हो जाए, ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है। और दूसरी इसमें जैसे अब आपने बिल्डिंग बनानी है उसपे, उसमें डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग आपने बनानी है पूर्व पश्चिम दिशा में बनानी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे धूप आ जाए। कि अगर आप नॉर्थ साउथ में बनाएंगे तो एक साइड को छाया आएगी बिल्डिंग की, दूसरी साइड को धूप आएगी, तो इसमें है कि मैक्सिमम पूरा दिन वहां पे धूप रहनी चाहिए बिल्डिंग में, जो डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा ये कि प्रॉपर आपने पशुओं के लिए जो बनाना है घर, उसमें स्पेस रिक्वायरमेंट, जो जगह हम बोलते हैं कि एक पशु के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ऐसे कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाए। जैसे इसमें हम आइडियल बोलते हैं कि 4 मीटर स्क्वायर इतना एरिया हमें एक पशु के लिए रखना ही रखना है, और एक पशु के साथ दूसरे पशु के लिए जगह होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ी साइंटिफिक तरीके से अगर आप अपनी गौशाला बनाएंगे, जैसे उसमें प्रॉपर खुली फिर फ्लोर आएगा, फ्लोर में थोड़ी सी ढलान बनानी है, ताकि उसका पेशाब गोबर नीचे कॉलर सबसे एंड में उसमें पेशाब के लिए नली बनानी है, ताकि हल्का सा पानी मार के आप उसको साफ भी कर पाए। ठीक है, फिर उसके बाद साथ में आप स्टोरेज के लिए आपको जैसे आपने चारा वगैरह फीड वगैरह कुछ रखनी है, तो साथ में वो स्टोर रूम आपने अलग बनाना है, उसी में नहीं रखना है। और मेन बात इसमें है कि जैसे जो गौशाला है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स वगैरह है वैसी ओपन ही होनी चाहिए, कोई भी नुकीली चीजें ना हो कि जैसे जो पशु को लग जाए या पशु उसमें चारे में मिक्स होके उसके अंदर ना चली जाए, इन सब चीजों का मेनली ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम थोड़ी सी जो नवजात बछड़े हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। जो जब भी नए बछड़ी पैदा हो रही है, नया कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो सबसे जो उसके लिए शुरू के 3-4 घंटे बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसमें आपने मेनली ध्यान ये देना है कि एकदम तुरंत जो बच्चा बछड़ी पैदा होते हैं तो आपने उसमें जो उसके मुंह और नाक साफ करना है, ताकि उसके जो भी अंदर कोई चीजें हैं वो बाहर निकल जाए और वो अच्छे से अपना सांस लेना शुरू कर दे। दूसरा ये कि आप उस बछड़े को थोड़ा साफ करके पिछले टांगों से उठा लो, और जो भी उसके मुंह में फंसा होगा या नाक में कुछ भी होगा वो नीचे में निकल जाएगा, आपने उल्टा कर देना है। तीसरी बात ये कि आप उस बछड़े में अगर गाय ने उसको अच्छे से चाटा नहीं है, कुछ नहीं किया, तो साफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा बच्चे का। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो बच्चा बछड़ी है वो जल्दी खड़ा हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा, है ना। फिर और उसके बाद तीसरी बात ये है कि हमने उस नवजात बच्चे बछड़ी को जो पीला गाढ़ा दूध है गाय का वो पिलाना है तुरंत, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जिसको हम साइंटिफिकली इम्यूनोग्लोबुलिन बोलेंगे, है ना। और इसमें बहुत ज्यादा जो विटामिन्स है, मिनरल कंस्टिट्यूएंट है दूध का, वो नॉर्मल दूध से ज्यादा रहता है, तो इसलिए ये दूध बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे को पिलाना, तो आप वो बच्चे को पिलाना है। उसके बाद जो पूरा 1 महीना है उसमें हमने बच्चे को उसके एक शरीर का 1/10 हिस्सा मतलब दूध पिलाना है। जैसे अगर हमारा बच्चा 30 किलो का है तो हमें उसको 3 लीटर दूध प्रतिदिन देना है, तो हम उसको 3 दिन की 3 डिवाइडेड डोजेज में देंगे, जैसे 1 लीटर सुबह दे दिया दोपहर में और शाम को, है ना, ये उसकी प्रॉपर फीड है। बट जनरली लोग ऐसा करते नहीं है, उसको दूध कम देते हैं, तो मतलब अगर आप उसको दूध अच्छे से देंगे, न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा, तो ग्रोथ रेट फास्ट रहेगा, तो ये चीज भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो एकदम नवज
नवजात बछड़े हैं या बच्ची है उसमें मेनली में एक तो डायरिया का दस्त लग जाते हैं इनमें और एक निमोनिया जो इनकी डेथ से मतलब मरने का मेन कारण रहता है। तो नवजात बच्चे बछड़ियों की डायरिया रोकने के लिए मेनली जो पेट के कीड़े हैं उनकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो इसमें डिवॉर्मिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है नवजात जो बछड़े होते हैं। इसमें शेड्यूल रहता है, जैसे हम 15 दिन के बाद बोलते हैं उनको कि आपने 15 दिन के बाद उनके वजन के हिसाब से दवाई आती है, जो कृमि नाशक जिसको बोलते हैं हम उसके पेट के कीड़ों को मारने के लिए दवाई रहती है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हमने लगभग जो 6 महीने है उसके उस एक एक महीने के गैप पे उसको कंटिन्यूटी में देनी है। फिर 6 महीने के बाद हम इसको बोलते हैं कि साल में आप 2 बार जो कृमि नाशक दवाई रहती है बछड़ों में, बाकी बड़े पशुओं में भी देनी है, हर प्रकार के पशु में जैसे भेड़ बकरी है गाय भैंस है इसको देनी है साल में 2 बार। कई बार हम इसको 2 से 3 भी कर देते हैं पर आप इसको 6 महीने के गैप पर देना जरूरी है, जिसका शेड्यूल आप पहले दिन दीजिए फिर 14 दिन के बाद दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी दस्त लगती है तो उसमें थोड़ा सा आप डिस्पेंसरी जाके हॉस्पिटल जाके थोड़ी एंटीबायोटिक दवाई ले सकते हैं और घर पे ही साथ में आप ORS वगैरह ORS सॉल्यूशन रहता है घर में ये नमक चीनी का घोल बोलते हैं वो आप तुरंत अपने लेवल पे पिला सकते हैं नवजात बच्चों के लिए। बाकी जो प्रेग्नेंट एनिमल है, प्रेग्नेंट एनिमल्स में मेन मैनेजमेंट में क्या ध्यान देना है कि पहले तो जो भी पशु है एक पशु की अपनी एक रिक्वायरमेंट है शरीर की कि उसको जीवित रहने के लिए ही जितना संतुलित आहार चाहिए चारा चाहिए उसकी मात्रा है। तो जो कंसेंट्रेट फीड हम जिसको बोलते हैं वो आप नॉर्मली ही पशु चाहे प्रेग्नेंट है चाहे नहीं है वो 2 किलो के हिसाब से हम बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं कि 3 किलो आपने खिलाना ही है। तो ये आपने प्रेगनेंसी में देना ही है बट आप प्रेग्नेंट है एनिमल तो आप इसको 1 से 1.5 किलो और इसमें एक्स्ट्रा देना है, मतलब 3 से 3.5 किलो एक्स्ट्रा ये देना ही है। साथ में आप कैल्शियम सप्लीमेंट दीजिए। फिर उसके बाद जब जो प्रेग्नेंट एनिमल के बच्चा बछड़ी होने के बाद जब वो पशु दूध दे रहा है तो दूध देने के साथ हम ये बोलते हैं कि नॉर्मल तो आप 2 लीटर 2 kg कंसेंट्रेट तो दे रहे हैं पशु को, उसके अलावा अगर जैसे 3 लीटर अगर दूध दे दी गाय तो 3 लीटर में आपने 1 किलो और ज्यादा खिलाना है उसको। अगर आपकी गाय 6 लीटर दूध दे रही है तो आपने 2 किलो और एक्स्ट्रा हो गया, 2 तो पहले दे रहे हैं है ना, तो आपने 4 किलो उसको कंसेंट्रेटेड फीड खिलाना है जिसमें हम जो बोलते हैं दाना दीजिए चोकर फल मिनरल बोलते हैं नमक वगैरह ये सब चीजें मिला के संतुलित रेशो में बनानी है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अनाज गेहूं ही पीस के दे रहे हैं वैसा नहीं करना है, गेहूं एक इनकी एक रेशो है मात्रा है जैसे 40 से 50% अगर अनाज है फिर सोयाबीन है ना, जैसे सोयाबीन हम डाल रहे हैं प्रोटीन्स के लिए खल डाल रहे हैं फैट्स के लिए नमक डालना है मिनरल्स डालने हैं विटामिन्स भी डालते हैं इसमें थोड़े थोड़े, तो इनका एक प्रॉपर रेशियो में बनाना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज देंगे तो उससे फिर वो चीज ज्यादा बढ़ जाएगी शरीर में और दूसरी कम हो जाएगी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमोशन में बनानी है फीड भी जो घर की या तो आप बाहर से ले लो तो ये एक प्रॉपर रेशियो में बना के खिलानी है। फिर उसके बाद बाकी हम फिर अब डिजीजेस पे आ जाते हैं थोड़ा, तो हमारा विभाग काफी सारी डिजीजेस के लिए वैक्सीनेशन कराता है। वैक्सीनेशन मतलब जो बीमारी होने से ही पहले हम बचाव के लिए उसको टीकाकरण करते हैं, तो मेनली इसमें हम 5-6 डिजीजेस के लिए टीकाकरण करते हैं गायों में। तो इसमें FMD जो खुरपका मुंहपका आपने एक रोग सुना होगा ये है, फिर गलघोंटू है, फिर रेबीज के लिए हम करते हैं, फिर अभी हमें पीछे लंपी वायरस लंपी त्वचा रोग हुआ जिस दो तो सभी को पता होगा हर घर में ये बीमारी पहुंची इसके लिए वैक्सीनेशन करवाया हमारे विभाग ने। तो इस प्रकार से और भी डिजीजेस हैं जिनके लिए मेनली हम वैक्सीनेशन कराते हैं। तो जो ये डिजीजेस हैं इसमें मेनली ये है कि जैसे अब मेनली हम FMD के लिए जो खुरपका मुंहपका रोग है उसके लिए डिस्कशन करते हैं, तो इसमें मेनली ये है कि ये विषाणु इसको विषाणु करता है, मतलब विषाणु का मतलब बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव वो इस बीमारी को पशुओं में करता है। तो इससे पशुओं में बहुत ज्यादा फीवर आता है, पशु के मुंह से लार निकलेगी, आप उसके खुरों पे देखोगे तो उसमें छाले छाले पड़ जाते हैं है ना, तो ऐसा पशु संक्रमित पशु है। तो सबसे पहले ऐसे पशु को तो आपने मतलब बाकी अच्छे पशुओं से अलग करना है और साथ में आपने इमीडिएटली वेटनरी
हॉस्पिटल में जाके आपने बताना है, क्योंकि ऐसा है कि आपके पशु भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं इससे, बाकी जो और गांव में रखे पशु हैं उनको भी फैलेगी, है ना। और बाकी जो भी ऐसे पशुओं के बर्तन है वो आप अलग कर दीजिए, चारा सब हर चीज अलग कर दीजिए, क्योंकि एक से दूसरे को छूने वाली बीमारी फैलेगी दूसरे पशुओं को, है ना। और इसके अलावा फिर जैसे गलघोंटू वाली बीमारी है जिसको हम इंग्लिश में हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहेंगे, तो ये बीमारी मेनली बरसातों से पहले वाले सीजन में मेनली पशुओं को आती है। तो इसमें मेन है कि जो पशु का अगला वाला छाती वाला भाग है उसमें पानी वानी भरना शुरू हो जाता है, बाकी बुखार खाना पीना तो पशु छोड़ ही देता है जब भी बीमार हालत है, पर मेन इसके ये सिम्टम रहते हैं। उसी प्रकार से फिर एक हमारे रेबीज बीमारी रहती है पशुओं में, जब भी कोई आपके पशु को कोई पागल कुत्ता या नेवले या किसी भी चमगादड़ भी इसका एक रीजन रहती है इस बीमारी को फैलाने का, कि अगर आपके किसी पशु को काट लिया तो आपको इमीडिएटली बताओ कि इससे पहले कि वो पशु बीमार हो जाए, उसकी डेथ हो जाए या औरों को वो फैलाए, तो इससे आप जो भी वेटनरी डिस्पेंसरी नियर बाय हॉस्पिटल आप वहां पे बताइए और अपने पशु को इंजेक्शन लगवाइए बॉडी में। तो रेबीज में ये है कि जैसे आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं इसमें, कि जैसे पशु को किसी को काट लिया तो आपने एकदम नंगे हाथों से नहीं उस जगह को टच करना, ग्लव्स पहनिए, आप अपना बचाव भी जरूरी है, तो उसमें आप पहले उस एरिया को मेनली सोप से वॉश कीजिए, है ना, या कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। और उसके बाद इसमें भी टीकाकरण होता है कि ये बीमारी घातक रूप ना ले ले, तो इसमें भी एक वैक्सीनेशन का शेड्यूल रहता है और इसके लिए हमारे पास इसके टीके रहते हैं, तो आप वो लगवाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास इन सब बीमारियों का एक शेड्यूल है, जैसे FFD के लिए आप 6 महीने 4 से 6 महीने पे पशुओं में टीकाकरण करवाइए, है ना, और गलघोंटू के लिए भी 6 महीने पे टीकाकरण करवाइए। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस है जिसमें गायों में गर्भपात हो जाता है, ये सुना होगा आपने, तो इस बीमारी में भी मेनली 6 महीने पे आप वैक्सीनेशन करवाइए। पर जो ये ब्रुसेला का टीका है ये मेनली 4 और 8 महीने के बीच में लगेगा, और ये लाइफ मतलब पशु की जिंदगी में एक बार ही लगेगा। बाकी जो और बीमारी है इसका शेड्यूल है कि आपने ये साल में 2 बार लगवाने या साल में 1 बार। जी, इसके अलावा बाकी पशुओं की देखभाल में बहुत जरूरी है कि आप पशुओं के जो घर है उसके आसपास गंदगियां मतलब एक इकट्ठे ही गोबर नहीं रखना है, आप उसको थोड़े गैप पे रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मक्खी मच्छर को जन्म देता है, और मक्खी मच्छर हो गए, चीचड़ हो गए, ये सब चीजें बीमारियां फैलाती हैं। तो जो अभी हम ये बीमारी फैली थी लंबी त्वचा रोग, इसमें मेनली आपने हम यही बोला गया डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप शाम को धुआं कीजिए, पशुओं में बड़ी मक्खी के काटने से ये फैल रहा है, तो ये मतलब मक्खियां तो बहुत ज्यादा बीमारियों को फैलाने का काम करती है पशुओं में, तो इनकी रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए ये कि आप थोड़े बहुत शाम के टाइम सुबह के टाइम पहले तो कि गंदगी ना फैलाओ, दूसरी है कि शाम और सुबह के टाइम आप थोड़ा सा नीम की पत्तियां लेके जला दी, धुएं से सारी आपकी मक्खी मच्छर वहां पे नहीं बन पाएंगे, ये सब है। बाकी इसके अलावा आप जो भी और भी अगर आपको वो लगती है तो आप इमीडिएटली मतलब वेटनरी सर्विस लीजिए भाई। और फिर बाकी हम थोड़ा सा क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करना है। तो इसमें मेनली 2 चीजों पे निर्भर करता है ये, एक तो गाय के स्वास्थ्य कैसा है और जो दूध निकाल रहा है वो उसका स्वास्थ्य और वो कैसा है। तो मेनली तो आप गाय को पहले दूध निकालने से पहले नहा भी सकते हैं, या उसकी अडर अगर वो नहीं करना तो सिर्फ अडर को आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोइए, है ना। और जब भी आपने दूध निकाला है पशु से तो उसको उस टाइम पे ये हरा घास या सूखा घास डालने की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे आप उसको कंसंट्रेट फीड दीजिए, क्योंकि अगर आप ये देंगे तो उससे धूल मिट्टी उड़ेगी, दूध में गिरेगी, दूध में कंटेमिनेशन होगा, तो उस टाइम मेनली आपने कंसंट्रेट फीड देना है पशु को। और सबसे बात यह कि जो दूध निकाल रहा है उसको भी अपने हाथों की सफाई रखनी है, अपने हाथ आप प्रॉपर सोप से धोइए, एकदम गंदे हाथों से दूध नहीं निकालने, क्योंकि वो सारा नहीं तो लग के दूध में जाएगा, आपका दूध खराब करेगा। और आपके दूध जिसमें आप दे रहे हैं वो बर्तन भी साफ होने चाहिए, वो भी आप गर्म पानी से धोइए, है ना, धूप में सूखे होने चाहिए, पुराने बर्तनों में नहीं निकालना है दूध।
तो ये सब चीजें, बाकी मेन है कि आपके नाखून छोटे होने चाहिए, नाखूनों में रंगीनी होनी चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, उससे भी आपके गाय के थनों को जख्म हो सकता है, जख्म होंगे तो इन्फेक्शन आ जाएगा पशु के शरीर में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब ध्यान रखने वाली है। फिर उसके बाद जैसे कोई बीमार है, जैसे कुछ हम जो बंदा दूध फूल निकाल रहा है वो बीमार है, तो वो कुछ बीमारियां हमसे पशुओं में चल जाती है और पशुओं से हमें आएगी। तो आपने दो दिन अगर गाय पाली है तो मेरे लिए जो एकदम सही स्वस्थ वाली गाय है उससे पहले आपने दूध निकालना है, फिर जो थोड़ी बीमार होगी बीमार वाली गाय का दूध सबसे एंड में और सबसे लास्ट में, और वो सबके लिए अलग बर्तन। उसके बाद आप दूध ले लीजिए, बॉइल कीजिए, और उसको ज्यादा लंबे टाइम पे आपने स्टोर करना है तो आप उसको बर्फ डाल के रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए। ये सब चीजें मेनली मिल्क क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। बाकी कुछ कुछ जैसे थोड़ी और बीमारी के बारे में बताती हूँ आपको। जैसे होता है बच्चा होने के बाद कई बार गाय एकदम बैठ जाती है, हाँ जी, तो ये यहाँ पे इस एरिया में काफी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे इस वाले एरिया में। तो ये मेनली होता है कि आप गाय को प्रॉपर कैल्शियम ही नहीं देते हैं, फीड ही नहीं दे रहे हैं जब वो प्रेग्नेंट है पशु, एक तो उसके खुद उसका शरीर उसके अंदर बच्चा, तो उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के अलावा आपको बच्चे के लिए भी खुराक देनी है, वो उसको पूरी नहीं हो पा रही, कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, तो ये मेनली उसी वजह से रहती है। तो इसमें है कि आप जो गाय प्रेग्नेंट है उसके 7 महीने तक उसको कैल्शियम दीजिए 50 ग्राम पर डे के हिसाब से देना है। फिर जो बाद के 2 महीने उसमें कैल्शियम भी देना है, उसके लिए आप दुकान से हमारे अनायनिक मिश्रण करके आता है वो वो आपने पशु को देना है जो लास्ट के 2 महीने रहते हैं। तो ये मेनली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है देखी जाती है वाली प्रॉब्लम इस एरिया में। और दूसरी यहाँ पे रहती है जो थनेला रोग, ये भी बहुत कॉमन है। तो थनेला के लिए तो मैंने सबसे पहले आपको यही बताया सब कि आपने दूध सही तरीके से निकालना है। तो सही तरीके से जैसे इसके भी 3 मेथड रहते हैं, लोग कुछ फुल मतलब पूरा हाथ से निकालेंगे, कुछ अंगूठा अंदर को करके निकालते हैं, जो अंगूठा अंदर करके निकालते हैं ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ये भी ऐसे नहीं निकालना है ना, पूरा दूध निकाला और लास्ट में जब दूध खत्म हो गया तो उसके बाद आपने उसको स्ट्रिपिंग करनी है, मतलब जो पतले उंगलियों से फन दबाने हैं उसके, ताकि क्योंकि जो सबसे एंड में दूध का उसमें घी रहता है जिसको फैट ज्यादा बोलते हैं, तो वो निकलना चाहिए, स्ट्रिपिंग करके आपने निकालना है। अगर वो नहीं निकलेगा तो पशु घी है पशु के जो में छेद से इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा और अंदर घी है उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है इन्फेक्शन को पनपने के लिए, तो ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इसमें ये चीजों का ध्यान रखना है। बाकी अगर इनकेस इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर तो आपको इमिडिएटली ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। और इस बीमारी में अगर आप डिले करेंगे कि ये सोचेंगे कि हम हफ्ते पर बाहर जाएंगे तो बहुत ज्यादा पूरा ही वो इन्फेक्शन खराब कर देता है, फिर वैसे पशु को ठीक कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान है। बाकी इसमें बाकी एक वो मस्सी हो जाते हैं पशुओं को, ये भी कॉमन है। ये बसों वाली तो ही तो मतलब कॉमन ही बीमारी है। तो इसमें भी जब भी मतलब ये बीमारी जब इनिशियल स्टेज पे आप उसी में ही ट्रीटमेंट लो, अगर लास्ट में आ जाएगा तो पूरे ही बॉडी में फैल जाता है, तो वैसे ही मेरे ट्रीटमेंट भी उस लेवल का नहीं हो पाता। तो मेनली यही